हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी दी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट स्केल एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप नंबर्स को असाइन करते हो या फिर सिंबल्स को असाइन करते हो ताकि आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सको, जो भी आपका डेटा है किसी भी इवेंट से रिलेटेड या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब इसके अंदर बेसिकली आपको एक क्वांटिफाई का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, यानी कि नंबर्स में आपको आप अपने डेटा को ईजिली प्रेजेंट कर पाते हो। अब इसके टोटल 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। लेट्स रीड ऑल टाइप्स इन डिटेल। टाइप इज नॉमिनल मेजरमेंट स्केल। नॉमिनल मेजरमेंट स्केल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मेजरमेंट स्केल की। इसको यूज करा जाता है ताकि आप अपने डेटा को कैटेगरीज में प्रेजेंट कर सको, यानी कि नॉमिनल मेजरमेंट स्केल का बेसिकली तब यूज करा जाता है जब आपको अपने डेटा को कैटेगरीज में प्रेजेंट करना होता है। अब जो नॉमिनल स्केल होता है वो कोई भी आपको ऑर्डर या फिर रैंकिंग प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि सिंपल आपको कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है आपके डेटा को। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं जेंडर का। जेंडर में कितनी कैटेगरीज होती हैं, ओनली 2 कैटेगरीज होती है, मेल और फीमेल। तो इसके अंदर आप नॉमिनल मेजरमेंट स्केल का यूज़ करोगे। अगर आपको आई कलर को प्रेजेंट करना है तो इसको भी आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि ब्लू आई कलर, ग्रीन आई कलर, ब्राउन आई कलर। अगर आपको रेस में करना है, अगर आपको किसी भी चीज़ में और फैक्टर्स में जाना है तो उसके लिए भी आप नॉमिनल मेजरमेंट स्केल का यूज़ कर सकते हो। बट इसकी कंडीशन क्या होती है, जो आपका डेटा है वो आपके डेटा को सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज में प्रेजेंट करेगा, कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा। नॉमिनल स्केल बहुत ज़्यादा यूजफुल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके थ्रू कोई भी पर्सन डेटा को कैटेगराइज कर सकता है, यानी कि उसे कैटेगोरिकल फॉर्मेट में डिवाइड कर सकता है। कुछ फीचर्स होते हैं, फर्स्ट इज कैटेगरीज। नॉमिनल स्केल हमेशा से डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, चाहे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या फिर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिक डेटा हो। अब इसके थ्रू कोई भी ऑब्जर्वेशन जो भी हमें बिलोंग करती है हर एक कैटेगरी के थ्रू, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड इज नो ऑर्डर, यानी कि जब भी हम अपने डेटा को नॉमिनल स्केल के थ्रू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी रैंकिंग के बेस पर डिवाइड नहीं करते, बल्कि सिंपल एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं जेंडर कैटेगरी का। इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, बस मेल एंड फीमेल जेंडर। थर्ड इज नो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, यानी कि कैटेगरीज के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी नंबर की रिलेशनशिप इसके बीच में नहीं होती। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं रेस कैटेगरी, यहाँ पे एशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेटेड रिलेशनशिप है ही नहीं। फोर्थ इज काउंटिंग। नॉमिनल स्केल आपको अलाउ करता है कि आप अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंटिंग में काउंट कर सकते हो, यानी कि आप इजिली काउंट कर सकते हो कितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास है। जैसे कि आप काउंट कर सकते हो कि आपके पास कितने मेल्स कैटेगरी के लोग हैं, कितने पास आपके पास फीमेल कैटेगरी का डेटा, आप इजीली इसे काउंट कर सकते हो। तो ये आपको अलाउ करता है काउंटिंग में डेटा को कॉन्टेक्ट करना। टाइप इज ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल। ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल का तब यूज़ करा जाता है जब आपको अपने डेटा को रैंक में प्रेजेंट करना होता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर या फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस के थ्रू। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं एजुकेशनल लेवल्स का। अब यहाँ पे आप अपने एजुकेशन लेवल्स को रैंक के थ्रू प्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री, मिडिल लेवल, हाई स्कूल, कॉलेज। तो यहाँ पे आपने एक रैंक के थ्रू एजुकेशन लेवल को प्रेजेंट करा। इनकम लेवल का, लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम, ठीक है, या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स का भी, पुअर सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स है, फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है। तो ये सारे डेटा को आप किस में प्रेजेंट कर रहे हो, एक रैंक में प्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल का यूज करोगे। फीचर्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल। फर्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डिनल स्केल हमेशा कैटेगरीज में ऑर्डर में डिवाइड करते हैं अपने डेटा को। एग्जांपल के लिए एजुकेशन लेवल कैटेगरी। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री स्कूल की पढ़ाई होती है उसको हमेशा कम रैंक करा जाता है हाई स्कूल से पढ़ाई से। वैसे जो कॉलेज की पढ़ाई होती है उसे ज़्यादा रैंक करा जाता है 12th तक की पढ़ाई से। सेकेंड इज नो इक्वल इंटरवल्स, यानी कि जो भी डिफरेंस होता है ऑर्डिनल स्केल की कैटेगरीज के बीच में वो हमेशा इक्वल हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है उनके बीच में डिफरेंस हो सकता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए द difference between middle school and high school is not necessarily the same as the difference between elementary school and middle school. Yani ki मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल के बीच में जितना डिफरेंस है एजुकेशन लेवल का, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा जितना डिफरेंस एलिमेंट्री स्कूल एंड मिडिल स्कूल की पढ़ाई के बीच में होता है। थर्ड इज नो ट्रू ज़ीरो, यानी कि ऑर्डिनल स्केल में कभी भी ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग है उसमें जो पुअर है, पुअर का मतलब ये नहीं है कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। फोर्थ इज काउंटिंग। ऑर्डिनल स्केल हमेशा आपको अलाउ करता है कि आप अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्व को ईजिली काउंट कर सकते हो इन ईच कैटेगरी, एंड इसके अंदर आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की जरूरत नहीं होती अपने डेटा पे।
मेजरमेंट स्केल इज इंटरवल मेजरमेंट स्केल। अब इंटरवल मेजरमेंट स्केल का तब यूज करा जाता है जब आपको अपने डेटा को मेजर करना पड़ता है विद इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर को आप जनरली डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हो, तो इसके अंदर आप मेजरमेंट स्केल का यूज करोगे, इंटरवल मेजरमेंट स्केल का। टाइम को आप आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स में डिफाइन करते हो, तो आप इसके अंदर भी इंटरवल मेजरमेंट स्केल का यूज करोगे। फीचर्स ऑफ इंटरवल मेजरमेंट स्केल, फर्स्ट फीचर इज ऑर्डर। इंटरवल स्केल के पास अपनी कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम डेटा को ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं या फिर रैंक करते हैं अपने डेटा को। एग्जांपल के लिए टेम्परेचर की कैटेगरी, 20 डिग्री सेल्सियस को हम रैंक कर रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस लोअर है, यानी कि कम है 25 डिग्री सेल्सियस के कंपेरिजन। सेकेंड इज इक्वल इंटरवल्स, जो भी डिफरेंस होता है इंटरवल स्केल का वो हमेशा से इक्वल होता है। एग्जाम्पल के लिए जो डिफरेंस होगा 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस का, वो ही सेम डिफरेंस होगा 25 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पे सेम डिफरेंस होता है। इट इज नो ट्रू जीरो, यानी कि इंटरवल स्केल में नो ट्रू जीरो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जांपल के लिए जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस का, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट देयर इज जीरो टेम्परेचर। फॉर दिस अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इंटरवल स्केल आपको अलाउ करता है कि आप अपने डेटा पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस डाल सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बट मेजरमेंट स्केल इज रेशियो मेजरमेंट स्केल। रेशियो मेजरमेंट स्केल का जनरली तब यूज करा जाता है जब आपको अपने डेटा को मेजर करना पड़ता है विद इक्वल इंटरवल्स बिटवीन ईच पॉइंट ऑन द स्केल एंड द ट्रू जीरो पॉइंट। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर वेट। वेट को आप मेजर करते हो जनरली किलोग्राम्स या फिर पाउंड्स में। हाइट, हाइट को आप मेजर करते हो सेंटीमीटर्स या फिर फीट में। एंड टाइम, टाइम को आप जनरली सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स के बेस पे मेजर करते हो। तो रेशियो स्केल्स में आपको हमेशा रेशियो के कंपैरिजन में मेजर होता है। फर्स्ट इज ऑर्डर। रेशियो स्केल हमेशा कैटेगरीज में डिवाइड होता है ऑर्डर एंड रैंक के बेस पे। एग्जांपल के लिए 50 किलोग्राम्स का जो वेट है उसको ज़्यादा कम रैंक करा जाता है एज कम्पेयर टू 60 किलोग्राम्स वेट। सेकेंड इज इक्वल इंटरवल, जो इनका डिफरेंस होता है हमेशा इक्वल इंटरवल्स पे होता है। थर्ड इज ट्रू जीरो, यानी कि रेशियो स्केल्स में ट्रू जीरो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जीरो पॉइंट भी मेजर हो सकता है। जैसे कि वेट है 0 किलोग्राम का, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी वेट नहीं है, यानी कि देर इज जीरो वेट। फोर्थ इज अर्थमेटिक ऑपरेशन। रेशियो स्केल आपको अलाउ करता है कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल सकते हैं अपने डेटा पे, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन।